कैसे बनाएंगे हलवा, उसके लिए इस तरह तरबूज का छिलका ले ले, इसे इसका जो ये हरा वाला हिस्सा है उसे छील लें, इसे छील के निकाल दें, इस तरह पूरा छील लें इसे। इस तरह पूरा हरा वाला हिस्सा छील के निकाल लें और अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और इसे अब एक जार में डाल के एकदम पेस्ट बना लेंगे। इस तरह बिल्कुल बारीक इसे पीस लें। अब एक कढ़ाई में 3 बड़ा चम्मच घी डालें। घी को गर्म होने दें। घी गर्म हो रहा है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच सूजी का और 1 बड़ा चम्मच बेसन का डालेंगे। इसे सेक लेंगे। फ्लेम को लो में करके इसे सेकें। इसे लगातार चलाते हुए सेकें। फ्लेम को लो में रखें। बेसन और सूजी सेक चुकी है। अब इसमें हमने जो तरबूज का छिलका पीसा था वो डालेंगे। इसे भी डाल के अच्छी तरह से सेकने तक सेकेंगे। मीडियम हाई करके इसे सेक लें। ये बिल्कुल सिक चुका है, घी छोड़ चुका है। अब इसमें हम 1/2 कप चीनी डालेंगे। इसे डाल के मिला लेंगे। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और 1 कप दूध डालेंगे। दूध को डाल के फ्लेम को एक बार हाई में कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए उबालेंगे और फिर से इसे पूरी तरह से सुखा लेंगे। इसे अच्छी तरह से सिझने दें और गाढ़ा होने दें। घी छोड़ने तक इसे चलाते हुए पकाएं। ये देखिए साइड में घी छोड़ने लगा है, इसका मतलब हमारा हलवा बनने लगा है। हलवा पूरी तरह से तैयार है। गैस बंद करें। इस पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालें। आपने बादाम का हलवा, सूजी का हलवा, आटा का हलवा, सब चीज का हलवा खाया होगा, पर तरबूज के छिलके का हलवा कभी नहीं सुना होगा। इसलिए इसे जरूर से बनाएं और खाएं। ये खाने में बिल्कुल ही अलग लगेगा। एक बार बना के जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कैसा लगा।